1.1 हमने स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, नंबर लाइन वाला। 2 में अब हमने एक तो ये सिंबल लगाने हैं, दूसरा हमने तरतीब लगानी है। एक तरतीब है असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग, ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं ना, 1 2 3, यानी ऐसे, इसको कहते हैं असेंडिंग। द्वितीय डिसेंडिंग, दूसरी वोल्ट होती है, जैसे 9 8, यानी बड़ी से छोटी की तरफ जब लिखेंगे वो डिसेंडिंग, और छोटी से बड़ी की तरफ लिखें तो उसको हम कहते हैं असेंडिंग तरतीब। तो पहले वैसे हम तरतीब लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें, पहले हम देख लेते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। तो अगर हम देखें, ये है 2 24 वाली, इसका मतलब है 23 वाली छोटी हैं, 24 वाली बड़ी हैं, क्योंकि गिनती में इनकी तादाद पूरी है। ये भी 6 6 ही हैं, सारी 6 6 रकमें हैं। पहले ये देख लेना है, अगर तादाद बिल्कुल बराबर है फिर इधर से पहला इनसा कंपेयर करें वो बराबर है। दूसरा देखें तो यहाँ 4 है, यहाँ 23 है, इसका मतलब ये दोनों बड़ी हैं। अब इन दोनों में से बड़ी कौन सी है वो देखेंगे। अब दो दो रकमें देखी थी, अब 3 3 देखें तो 245 बन रहा है, ये भी 45 बन रहा है। आगे चलें, ये 24 50 बन रहा है और ये 24 51 बन रहा है, इसका मतलब है ये वाली क्या है, बड़ी है। तो ये आ गई हमारी नंबर 1 पे, ये आ गई नंबर 2 पे। उसके बाद अब इन दोनों को कंपेयर करें, 23 तो बराबर है, आगे देखें 235 235, 23 56 23 50, तो ये वाली उसके बाद बड़ी है, ठीक है, 3 और 4, ठीक हो गया जी। तो अब इसको हम लिख लेते हैं, पहले आ जाएगी 24, या सबसे छोटी पहले लिख लें, चलें जैसे मर्जी कर लें। बड़ी सबसे पहले अगर मैं लिखूं तो 24 51 92, दूसरे नंबर पे यह आएगी 24 5091, तीसरे नंबर पे यह आ गई 23 5 6 9 1, और लास्ट पे कौन सी आ गई, ये 23 5 0 9 0। अब ये वाली सबसे बढ़िया है तो इसकी तरफ मुंह खुला होगा, ये वाली इससे बढ़िया है, अब ये इससे बढ़िया है तो इसका मुंह इधर खुला होगा, ठीक है, और ये इससे बढ़िया है तो ये ऐसे खुला होगा, ठीक है। जो रकम बड़ी हो खुली साइड उसकी तरफ होगी, जो छोटी है बंद साइड उसकी तरफ होगी। अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे, पहले सबसे छोटी, तो ये तरतीब बनी हुई है, ये वाली सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और ये सबसे बड़ी। असेंडिंग ऑर्डर लिखने लगा मैं, ठीक है, सबसे छोटी पहले लिखेंगे, ये 4 नंबर सबसे छोटी है, या ये भी ऐसे भी लिख सकते हो, ये तरतीब भी बन गई। अब सेंडिंग ऑर्डर में ये इधर से इधर लिखेंगे, छोटी से बड़ी की तरफ, ठीक है। सेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटी आएगी, तो ये सबसे छोटी है, 23 5 0 9 0, उसके बाद 23 5 6 9 1, उसके बाद 24 5 0 9 1, उसके बाद 24 5 1 9 2। अब डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको उल्ट कर देंगे तो डिसेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। पहले ये लिखेंगे 24 5 1 9 2, डिसेंडिंग में क्या होता है, पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर उससे छोटी, 24 5 0 9, असेंडिंग का उल्ट डिसेंडिंग होती है। ये वाली तरतीब उल्ट कर दें, 23 5 6 9, अच्छा ये मैंने 23 5 0 9 0, 23 56 91 91, और 23 5 0 9 0, ठीक हो गया जी। ये हो गया हमारा पहला सवाल, अगर आपको समझ आ गया आप बाकी सारे सवाल खुद कर सकते हैं। अब इसी तरह देखेंगे, अब ये 57 57, ये बड़ी आगे दोनों, ठीक है। अभी में से कंपेयर करेंगे तो ये 97 97 98, 4 रकमों तक ये बराबर है। आगे देखें तो ये 7 है और ये 17 है, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी,
17 बड़ा होता है। ये पहले नंबर पे आ गई, ये दूसरे पे आ गई, बड़ी तरतीब अगर देखें तो। फिर इन दोनों में से देखें, 27 99 और ये 98 है, तो ये तीसरे नंबर पे आ गई और ये सबसे छोटी चौथे नंबर पे आ गई। तो सबसे बड़ी पहले लिख लें, 6 7 9 8 1 7, 6 7 9 8 0 7, 5 7 9 8 0 3, 5 7 8 9 0 1। ये सबसे बड़ी है इधर, ये इससे बड़ी है इधर, ये इससे बड़ी है, तो ठीक है। अब पहले असेंडिंग ऑर्डर हम सिर्फ ए लिखूंगा और डिसेंडिंग में सिर्फ डी लिखूंगा। असेंडिंग में पहले सबसे छोटी लिखेंगे, ये वाली सबसे छोटी है, 57 8 9 0 1, 57 9 8 0 3, 63 9 8 0 7, 6 7 9 8 1 7। डिसेंडिंग में इसको उल्ट कर दें, दूसरे अल्फाज में यही डिसेंडिंग ऑर्डर भी है, ये जो लिखी हुई है इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी को नीचे लिख दें या इसको उल्ट कर दें, बात एक ही है। 6 7 9 8 1 7, 6 7 9 8, बस उसमें ये सिंबल लगाने के लिए उसने कहा था और इसमें तरतीब लगाने को कहा था। 5 7 9 8 0 3, 5 7 8 9 0 1। ये जी तीसरा क्वेश्चन है वैसे ही, तो अब इसमें 5 हैं, इसमें कितने रकमें हैं, इसमें 6 हैं, इसमें भी 6 हैं और इसमें भी 6 हैं। अब ये तो होगी ना सबसे छोटी, ठीक है, क्योंकि इसकी रकमें कम है तो ये तो पीछे रह गई। अब इनकी कंपेयरिंग करेंगे, तो पहले दो रकमों को कंपेयर करो, तो ये 10 है और ये 11 है, इसका मतलब है ये बड़ी है। अब इन दोनों में से देखना सबसे बड़ी कौन सी है। अब 4 रकमों तक तो ये बराबर हैं, देखें दोनों में, ये 28 और ये 27 है, इसका मतलब है ये वाली बड़ी है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, और ये पिछले सवालों में देखें मैंने ये सिंबल लगाया है, सबसे बड़ी पहले लिखी थी, अब मैं सबसे छोटी लिखता हूँ, देखें फिर कैसे लिखेंगे इसको। सबसे छोटी ये वाली 1 0 0 2 8, इसके बाद ये इससे बड़ी, फिर ये आ गई और ये। पहले दो सवालों में मैंने क्या किया था, पहले सबसे बड़ी लिखी थी, फिर सबसे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो मैंने एरो इधर से शुरू किए थे। अब ये वाली सबसे बड़ी है, तो एरो इधर से, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है और ये वाली इससे बड़ी है, ठीक है जी। ओके जी, अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, पहले छोटी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, बस ये सिंबल नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। 0000 28, 1127, 1128। डिसेंडिंग में इसको उल्ट कर दें, 11 0028, पहले यह आ गई फिर ये आ जाएगी, 11 0027, 11 0028, 11 0028, ठीक है। ले जी सिंपल से क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब इसी का फोर्थ पार्ट है, ये भी 6 रकमें, ये भी 6 हैं, ये भी 6 हैं और ये भी 6 हैं, ठीक है। तो अब पहले पहली पहली रकम देखें तो 5 5 5 बराबर है, दो दो देखें, ये 56 है, ये 56 है, 57 है, ये बड़ी आ गई, ये दोनों छोटी, ये बड़ी हो गई। अब इन दोनों में से देखेंगे बड़ी कौन सी है, 3 रकमों तक देखें तो बराबर है, उसके आगे देखें तो ये 390 है और ये 381 है, तो 90 बड़ा होता है, ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी। अब इन दोनों में देखें 62 तक सेम है दोनों का, आगे ये 300 है और ये 399 है और ये 99, 99 बड़ा होता है, ये तीसरे नंबर पे आ गई है चौथे, यानी ये सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। अब बस इनको हम लिख के एरो लगा देंगे और फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले सबसे छोटी मैं लिख लेता हूँ, ये 4 नंबर लिख,
ये सबसे बड़ी है तो खुला मुंह इसकी तरफ, ये उससे बड़ी है ऐसे, ये उससे बड़ी है ऐसे, ये सेंडिंग ऑर्डर ही लिखा हुआ है, इसको नीचे लिख लें बस दरमियान में कोमे लग जाएंगे। 5732899 5723819 5723815 7239 0। स्कॉल्ट करेंगे तो डिसेंडिंग बन जाएगी, इधर से लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने इसी तरह सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करना है और ये साइन लगाने हैं। अब माइनस लगा हुआ है, बस ये फर्क है। तो माइनस में हमने ध्यान रखना है कि जो माइनस में सबसे बड़ी होती है ना वो सबसे छोटी होती है। तो अब देखें ये 83 2 और ये 84, इसका मतलब है ये सबसे छोटी हैं। इनमें से बड़ी कौन सी है? 96, ये हो गई सबसे छोटी, ये उससे सबसे छोटी, ये उससे बड़ी, इनमें से बड़ी ये वाली है 83 95, तो ये और फिर पहले हमने तरतीब लगा रही 84 94 91 95 और 93 94, ठीक है, इनको तरतीब से लिख लें। 84 96 84 91 83 95 83 94। अब देखें माइनस में जो सबसे छोटी होती है ना वो सबसे बड़ी होती है, इसलिए ये सबसे बड़ी है, ये वाली इससे बड़ी है। माइनस में उल्ट करना होता है, माइनस में जो रकम सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे छोटी, अब माइनस में जो सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी होती है, तो ये तरतीब लगी हुई है पहली 84 91 83 95 83 94। डिसेंडिंग में क्या करेंगे, स्कोल्ट कर देंगे सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी, ठीक हो गया जी। अब सबसे बड़ी कौन सी है? 530 और 556, फिर 530, फिर 503। माइनस वाली जो होती है वो सबसे छोटी होती है, ये आपने याद रखना है हमेशा, माइनस वाली सबसे छोटी होती है। चलें तरतीब लगा ले पहले, -563 503 530 556। अब ये सबसे बड़ी है, ये उससे और ये इससे बड़ी है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो तरतीब लगी हुई है ये असेंडिंग ही है, सबसे छोटी ये उससे बड़ी, बस ये अंदर से साइन ख़त्म कर दिए ने, ठीक है, और ये उससे डिसेंडिंग में स्कोल्ट कर देंगे, इधर से लिखेंगे 556 530 503 और -563, ठीक हो गया जी। तीसरे पार्ट में अगर हम देखें तो सबसे जो पॉजिटिव होती है ना वो सबसे बड़ी होती है, तो ये सबसे बड़ी माइनस में उल्ट देखना होता है, ठीक है, तो जो सबसे छोटी है ना वो सबसे बड़ी होती है, उससे बड़ी से बड़ी, यानी माइनस में जितनी रकम बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, ये आपने याद रखना है। हमें तरतीब लगा लेता हूँ, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, क्योंकि एरो लगाने तो ये सबसे बड़ी एरो लग गया, ये उससे बड़ी एरो लग गया, ये इससे बड़ी है तो एरो, उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ये जो तरतीब लगी हुई है यही असेंडिंग ऑर्डर है, 1886 बस कोमा लग जाएगा, -138 -137
1308 डिसेंडिंग में स्कोल्ड कर देने, इधर से लिखेंगे 1308 -137 -138 -1886। ओके हो गया जी। अब तीसरा पार्ट है, चौथा, इसमें भी वही काम करना है। माइनस में देखें सबसे बड़ी पहले ढूंढें, 78 78 78, ये 87 है, ये सबसे छोटी रकम है। तो हमें क्या करना है, सबसे ये सबसे छोटी है। अब इनमें देखें 784 84 784 84 84 सेम है। अब यह है 01, ये 03 और ये 32। तो जो सबसे छोटी है ना, अच्छा ये पॉजिटिव है, ये तो सबसे बड़ी हो गई ना, इसको तो निकाल दो। अब ये 32 है लास्ट पे, और इसके लास्ट पे 2 है, 2 वाली होती है माइनस में सब, यानी जिसकी रकम छोटी हो ना माइनस में वो सबसे बड़ी होती है। इसके बाद ये बड़ी है, इसके बाद ये बड़ी है, और इसके बाद ये बड़ी है, ठीक है। तरतीब लगा लें, वैसे तो उसने तरतीब लगा के दी हुई है आपको, सिर्फ ऐसे इसी के दरमियान जो ऐसे लगा दो, क्योंकि तरतीब लगी हुई है, हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पहले ही तरतीब लगी हुई थी, ठीक है। अब बस असेंडिंग और डिसेंडिंग कर लें, इसी को दोबारा लिख देंगे, असेंडिंग हो जाएगी, -87 650 -78 432 -78 402। अच्छा जो जिसके साथ अलामत ना हो तो प्लस लगा सकते हैं आप लोग, ताकि पता चले ये पॉजिटिव है। डिसेंडिंग में इसको उल्ट कर दें, +78 401 -78 402 -78 432 -87 650। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी हमने यही काम करना है, साइन लगाने और सेंडिंग डिसेंडिंग बताने। अब इसमें पॉइंट आ गए, देखें पॉइंट के पहला वाला हिस्सा तो सबका सेम है, इसलिए इसको ना देखें, अगला हिस्सा देखें, 356 543 357। अब ये है सबसे बड़ी, ये है उससे छोटी 343। अच्छा ये 532 है, ये है सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी है। इसके बाद 357, ये दूसरे नंबर पे आ गई, ये 56 तीसरे पे और चौथे पे। तो बस लिख लें, सबसे छोटी पहले आ गई है वाली 28.343 28.356, ठीक है। पहला हिस्सा सेम था ना, तो पॉइंट के बाद वाला बस इसमें देख लेना बड़ी छोटी, उसके बाद ये आ जाएगी 28.357 और फिर 28.532। ये सबसे बड़ी है तो एरो इधर से शुरू होगा, ये इससे बड़ी है और ये वाली इससे बड़ी है, ठीक है, ये एरो आ जाएंगे। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये असेंडिंग ऑर्डर ही लिखा हुआ है, ऐसे नीचे उतार दें, 28.343 28.356 28.357 और 28.532। इधर से लिखेंगे तो डिसेंडिंग बन जाएगी, 28.532 28.357 28.356 और 28.343। इसी का आगे दूसरा पार्ट है। अब ये तो 130 है ना, तो पहले ही बड़ी हो गई, उसके बाद बाकी 120 वाली हैं, बाद में अब देखेंगे पॉइंट के बाद वाले हिस्से से पता चलेगा कौन सी छोटी है। ये 08 है, ये 80 है, 01 है, तो ये आ जाएगी दूसरे नंबर पे, 08 तीसरे नंबर पे और 01 चौथे नंबर पे। तो तरतीब बना लें, सबसे छोटी कौन सी है, ये 120.01, इसके बाद 120.80, फिर 130 और ये वाली 120.08 और फिर 130.0। ये सबसे बड़ी है तो खुला इसकी तरफ, ये इससे बड़ी है ऐसे, ये इससे बड़ी है ऐसे, यही तरतीब असेंडिंग है, इसको यहाँ लिख देंगे
120.01, फिर आगे 120.80, 120.08, ये क्या हो गया, ये हो गई सबसे छोटी। उसके बाद ये 08 पहले आएगा यहाँ पर, और 80 इधर आएगा, 120.80, ठीक है। तो ये तरतीब से ही कर लेंगे आप लोग, 120.08 और ये 80, और लास्ट पे आ जाएगी 130.08। इसको उल्ट करेंगे तो डिसेंडिंग बन जाएगी, इसको उल्ट करेंगे तो डिसेंडिंग 130.08, 120.80, 120.08 और 120.01। तीसरा पार्ट में भी ऐसे ही करना है हमने। देखे सारे सवाल एक जैसे ही हैं, बस वो आपको पहचान करवा रहे रकमों की कि आपको पता चले बड़ी छोटी कैसे निकालते हैं। अब ये 131 पॉइंट के पहले, तो ये दो तो बड़ी हो गई ना, इनमें कंपेयर करें पॉइंट के बाद, ये 01 है और 08 है, 8 बड़ा होता है, तो ये आ गया पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर। अब ये 103 है और ये 113 है, तो 113 वैसे ही बड़ा है, तो तीसरे नंबर पर आ गई और चौथे पर यह आ गई। चलो तरतीब लगा लो, चार वाली सबसे छोटी है, उसके बाद तीन वाली, उसके बाद दो वाली, उसके बाद वन वाली। अब पहले सेंडिंग तरतीब यही, अच्छा ये एरो पहले लगा लेना ऐसे, ठीक है। अब इसको सेंडिंग बना लें, 103.78, 113.08, 131.01, 131.08, और फिर डिसेंडिंग में इसको होल्ड कर देंगे, 131.08, 131.01, 113.08 और फिर 103.78। लास्ट वाला पार्ट है, अब ये 236 सेम है सबका, बाद में देखें तो 219 ये आ गई सबसे बड़ी, उसके बाद 217 दूसरे नंबर पे, 207 तीसरे नंबर पे और 89 चौथे नंबर पे। लो जी, ठीक है जी, छोटी छोटी रकमें हैं, तो सबसे छोटी पहले लिखेंगे कौन सी है जी, ये 236.089, उसके बाद ये 236.0207, उसके बाद ये 236.217, उसके बाद 236.219, ये सबसे बड़ी है ये, फिर ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये असेंडिंग ऑर्डर है जो लिखा हुआ है, बस ये अंदर से ये ख़त्म करके कोमे लगा देंगे, 236.089, उसके बाद 236.207, फिर 236.217 और फिर 236.2222, इसी को होल्ड कर दें, 217.219, 236.217 और फिर 236.7 और फिर 286.89। लें जी, पूरा हो गया और मशक भी को मच्छू हो गई है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 1.2 करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।